राजस्थान के उस साइड और मुर्गियां हैं। अच्छा। क्या है, रूम बड़ा होने से मुर्गी संख्या कम होने से क्या है, गर्मी में ठंडक ज्यादा हो जाती है। हाँ। इसलिए संख्या ज्यादा रहेगी तो गर्मी बना रहेगा रूम में। तो उधर इसमें हाँ। दो वेरायटी है, ये घास है हाँ, नेपियर हाँ। अच्छा, ये नेपियर है, ये नुकीलापन रहता है हाँ। इसमें दो वेरायटी है, एक ए वाला है हाँ। और एक ए वाला दूसरा वेरायटी है। अच्छा। इसमें क्या है, पत्ती घना घना होता है, जैसे देखिए। ये खिलाते हो अपने मुर्गियों को? डेली एक टब निकलता है इसमें। डेली डेली मेरे पास दो बेड है, एक ए है, एक वहाँ पे और एक बेड है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आप हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि एक एक हिसाब से ये जो अगर ये वोल्टेज कंज्यूम करता तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता। आपने यहाँ से यहाँ तक एक बित्ता का जो हीटर तार लगाया है उस। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। मैं आया हूँ रितेश भाई के यहाँ। छोटा सा फार्म देख करके मेरा तो बहुत ज़्यादा दिल गदगद हो गया। और मेरे साथ में नरेश भैया भी हैं, जो कि अभी हम लोग बकरी पालन का स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग फार्म वगैरह विजिट कर रहे हैं। रितेश भाई को भी ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, इनसे अभी उस बारे में बात करना बाकी है। फिलहाल हम आए थे, जब यहाँ का फार्म देखे तो हमारा उस तरफ का मैटर ही नहीं गया। पूरी वीडियो पूरी कैप्चर हो चुकी है, आप लोगों को अभी इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो रितेश भाई, जैसे अगर कोई कस्टमर आना चाहे आपके पास तो कैसे आएगा? आपका तो सामान बहुत अच्छा है, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। गांव कंवरगुड़ा है, तहसील सारंगढ़, जिला सारंगढ़, और मोबाइल नंबर आप डाल दीजिएगा डिस्क्रिप्शन, कॉल करके आ सकते हैं। हाँ हाँ। तो रितेश भैया, ये सब आप अकेले संभालते हैं क्या? जी मैं अकेले देखता हूँ। तो ये कब से कर रहे हैं? ये लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद जॉब अप कर रहा था, उसके अच्छा। बाद ना जॉब से क्या है, पेमेंट आना कम हो गया हाँ। इसलिए क्या है, अब यूट्यूब देख के ही इसी को स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा, तो मेरा चैनल देखते हो आप? हाँ देखता हूँ ना। तो एक बार बोल दीजिए यार। बहुत कुछ मतलब आइडिया भी उससे मिलता है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, हमसे ही आपको कुछ प्रेरणा मिलता है तो हम आपके लिए बिल्कुल और अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। बाकी मैं आपको बताऊं कि मैं आपके यहाँ आया हूँ तो मेरे को ही प्रेरणा मिल गया है बहुत सारा कुछ, क्योंकि इतने कम जगह में इतना अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से। और दोस्तों, अगर आप आसपास से हो तो बिल्कुल यहाँ विजिट करें, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ आपको उचित लगे आप वहाँ से लेन देन करें, क्योंकि अब जो है फार्म बड़ा होने जा रहा है, काम बड़ा होने जा रहा है, मिल करके करेंगे। शुरुआत हम अगर बकरी बकरे से करते हैं, एक बेरोजगार की बात है, शुरुआत अगर हम एक बकरी बकरे से करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी प्रॉफिट लगता हो तो दूसरे की नौकरी करना छोड़ आप अपना काम शुरू करें। अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे तो आकर के रितेश भाई को देखिए कि कैसे इन्होंने अपने आप को सजाया है, संवारा है, और अब ये बकरे की फार्म डाल रहे हैं। कुछ दिन बाद देखिए, आप अगर आज शुरुआत करते हैं, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये कुछ नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भी आप बना लें और वहाँ से अगर आपको टर्नओवर नहीं होता है, कैसे भैया, अगर वहाँ से आपको टर्नओवर नहीं होता है तो फिर वो कोई मायने नहीं रखता। बताओ हाँ, इधर आओ इधर आओ, उसको बताना बाद में। ये मेन आइटम दिख गया अपना। इसके पीछे हम लोग बीच पे बहुत परेशान थे। ये खिलाते हो अपने मुर्गियों को? डेली एक टब निकलता है इसमें। डेली डेली मेरे पास दो बेड है, एक ए है, एक वहाँ पे और एक बेड है हाँ। अंदर घुस गए तो वो उन लोग अंदर से ही वो हुए हैं। और अभी आप यहीं से निकाल लेते हो, उधर दबा दिए हो तो? हाँ नहीं, उधर भी खुला है। अच्छा, इधर हाँ, भी खुला है हाँ। और निकालने का ना ये है ना, निकालने का। अच्छा अच्छा हाँ। इसमें डेली वो करो, फिर डेली तो नीचे क्या दिए हो आप? मैं नीचे मिट्टी दिया हूँ, और अपने पास गोबर का अवेलेबल तो नहीं है तो ना क्या है, मुर्गी का जो बीट है ना हाँ, वो उसको डाला था हाँ। बढ़िया हो रहे हैं बाकी? हाँ एकदम से। और कितने दिन से रखे हुए? तो ज्यादा होता है तो नहीं, ये बहुत दिन हो गया। मैं क्या है ना, बरसात ही स्टार्टिंग नहीं हुआ था ना, तब से लगाया। तो बरसात में भाग जाता है बोलते हैं बरसात? नहीं, मैं वहाँ वो किया हूँ ना जी, वो ओवर पानी होता है तो वहाँ से अपने आप निकल जाता है पानी। ओहो, सिस्टम पूरा बना रखे हैं वहाँ से, ओवर होता है आलू तो बोरा होता है ना हाँ, जाली जाली हाँ, उसको वहाँ पैक कर दिया हूँ ताकि अजोला सब रह जाए, पानी चला जाए। क्या बात है यार, पूरा माइंड लगा करके किए हो, बहुत सुंदर। तो इसमें बीच में ये मर जाते हैं ऐसा कुछ नहीं देखने को? लगभग कितना दिन हो रहा है आपको यूज किया? मेरे को अभी करीबन ना 7-8 महीने हो गया ना। क्या बात है, तब तो आप बचा लिए हो, फिर गर्मी पार हो गया है? हाँ, गर्मी में ही तो स्टार्ट किया था इसको। अच्छा, फिर बरसात पार हो गया ना, अब ठंडी आने को है। और ये अभी बकरा का स्टार्टिंग करूंगा मैं भी हाँ। तो ये उसके लिए लगाया हूँ घास नेपियर। इसमें दो वेरायटी है, ये घास है नेपियर।
अच्छा ये नेपियर है, ये नुकीलापन रहता है। हाँ इसमें दो वेरायटी है, एक ए वाला है। हाँ। और एक ए वाला दूसरा वेरायटी है। अच्छा। इसमें क्या है, पत्ती घना घना होता है, जैसे देखिए इसमें पत्ती एकदम घना हुआ है। हाँ। और ये इसमें क्या है, गैप गैप हुआ है। सही है। तो अब क्या है ना, मैं भी अभी बोरवेल का और नीचे उतारूंगा ताकि इसमें पानी हो जाए पूर्ति। बाकी गजब यार, पूरा वो हो गया है, जाल फैल गया ना जड़ का। इसको मैं पहले रितेश के यहाँ से लाया था। हाँ। फिर इसको ना एक जन के पास था तो मेरे को ना वो अब पैसे में दे रहे थे। हाँ, बाकी हाँ। मैं बोला अजोला ले जाओ, इसको दे दो मैं। हाँ, हाँ। हो गया, एक्सचेंज हो गया। एक्सचेंज हो गया। तो बहुत अच्छा यूटिलाइज किए हो, एक लाइन से आप इसको घेर करके इसको लगा दो, है ना। और ये आपका बेर लाया हूँ, बेर भी फल है। अच्छा, बेर भी फल है। क्या बात है यार, चलो हम आपको प्लांट दिए और वो अच्छा रहा, वही हमारे लिए। हाँ पला है, इसको आने दो। आने के बाद ये दोनों को ऐसा बांध करके थोड़ा बड़ा करके यहाँ से कटिंग करना अगले साल। हाँ, वो चीकू भी लाया था, वो भी फला था, बाकी फला था ना। तोड़ हाँ दिए हैं। नहीं, आप मेंटेन बहुत अच्छा किए हो, इसमें शिकायत का कोई मौका नहीं है कि भैया ये मर गया वो मर गया। अरे फनस मुनगा नहीं हुआ ना? हाँ, मुनगा दो चार हुआ है। ये फनस भी दिया था मैं आपको, ये खत्म हो गया बोल के मैं आप फनस, इसको इसको काट देना फनस को, ठीक है ना। ये मेरे यहाँ का है। हाँ, ये भी आप ही क्या है, मतलब ये खत्म हो गया है बोल के ना। हाँ। मैं आपसे दूसरा लाया था। हाँ। बाकी ये बरसात हुआ ना फिर से ग्रो हुआ है, दूरी है नजदीक। ये खत्म हो गया है बोल के वाला लगा रहे। और वो अंजीर भी फला है। अंजीर भी फला है, क्या बात है। देखो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ के जो प्लांट्स हैं उस प्लांट का आप लोग यहाँ पे रिजल्ट देख सकते हैं। अगर हम बोल के दे रहे हैं कि हाइब्रिड है, ग्राफ्टेड है, इसी साल फल जाएगा, तो भाई मेहनत आपको थोड़ा सा करना है देख रेख करके। देखिए भाई ने पत्थर और कंकड़ वाले एरिया में कितने अच्छे से इसको सजा करके, इसको बना करके, बीच बीच में पानी दे करके, आप देख सकते हैं इस पत्ते को कितना फ्रेश है ये पत्ता। ऐसा नहीं बोल सकते कि पानी नहीं दिए हैं बोल करके, एकदम धूप है, जंगल वाली जगह है, चट्टान है दोस्तों, पूरा पत्थर है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर दिख रहा है ये पहाड़ है, पहाड़, ये पूरा पहाड़ है, ये यहाँ पे पहाड़ है, ठीक है। तो ये पहाड़ वाले जगह पे अगर ये लगा ले रहे हैं तो समझिए मिट्टी और खाद अगर मिल जाता हो तो फिर ये कितना अच्छा, मतलब ये इनका ज़्यादा एरिया नहीं है, उसके बाद भी इन्होंने जैसा किया है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय है हमारे रितेश भाई। चलिए अच्छा है, इस टाइम होगा, अभी स्टोर रूम बना दिया हूँ। अच्छा, बाकी क्या है, ये बकरा सेट रहेगा। अरे यार, इतना सारा जगह निकल कहाँ से रहे, हम लोग तो वहीं खत्म हो गया बोल रहे थे ना अभी। ये इधर से आ रहे हैं तो एक जगह, उधर से आ रहे हैं तो एक जगह, यहाँ पे बकरा आराम से 10-15 ठो डाल देंगे। तो टोटल बकरे का क्या है, स्टॉल फिट करने का है आपका? हाँ, स्टॉल फिट में, और नीचे फिर देसी मुर्गी छोड़ दो। ये जाली कहाँ मिलता है भाई, ये जाली तो हम देखे भी नहीं सारंगढ़ में। ये बढ़िया है, ये इसी से तो जाली बनाया हूँ जो। हाँ, डिलीवरी, हाँ, वही डिलीवरी करने के, लेकिन ये बहुत स्ट्रांग है। हाँ, एक बार बना दिए तो फिर परमानेंट है ये। हाँ, इसीलिए तो उसको हाथ में पूरा खत्म। हाँ, उस दिन मैं पूरा टेंशन में आ गया था। हाँ, फिर यहाँ ना ये जुगाड़ किया था, ये इसमें करंट वरेंट लगाया था। अरे बाप, बिल्ली इसी में से पार होता था। हाँ, हाँ, फिर दो तीन बार पड़ा उसको, फिर वो नहीं आया। नहीं तो इसने मैंने पैकिंग कर दिया था, नहीं यार फिर बिल्ली भैया का है, गलती से ही सीखन वाला। हाँ, 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 सही बात का है, मोटी इतना इतनी ज बाकी रहीस। हाँ, और रहीस नहीं हो ग्रीन नेट ना। हाँ, ओकरे चलते ना। हाँ, वाला हाँ। तो बकरा कब तक स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें पटनी उटनी लगा के स्टार्ट करेंगे खड़ा करके कि इसी? हाँ, में डाल हाँ, देंगे मतलब पटनी उटनी लगा के, फिर नीचे में देसी मुर्गी छोड़ दो। देसी मुर्गी छोड़ दो, बहुत सुंदर। कितने बकरे से स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग तो अभी सीखना भी है, प्लस में 4 से स्टार्ट करूंगा लेंगे बोल रहे हैं। सिरोही वाला, सिरोही डालेंगे क्या, ये वेट से ही मतलब है। वो मोटर ना बन गई से, बाकी क्या है और लोड नहीं तो उस साइड और मुर्गियां हैं। अच्छा। क्या है, रूम बड़ा होने से मुर्गी संख्या कम होने से क्या है, गर्मी में ठंडक ज्यादा हो जाती है। हाँ। इसलिए संख्या ज्यादा रहेगी तो गर्मी बना रहेगा रूम में। तो उधर का मुर्गी पकड़ना है तो कैसे पकड़ेंगे? उधर का पकड़ना नहीं है, वो सब ना अंडे के लिए रखा हुआ, अंडे के लिए रखे हैं, उस अंडे से चूजा निकालता हूँ। अच्छा। और ये गर्मी देने के लिए एक ठो है। हाँ। वो हीटर क्वाइल टाइप से। अच्छा, उसमें अच्छा। आप पकड़ भी दोगे तो करंट वरेंट नहीं लगेगा। कैसे,
वो इसमें कांच लगा है ना, हाँ? जैसे क्या अपन बल्ब को पकड़ते हैं, हाँ? तो बस हीट किया रहता है ना, हाँ? उसमें करंट वरेंट आग लगने का खतरा नहीं रहता, हाँ, हाँ, और जैसे आप वो उसको लगाओगे, हाँ? तो उसमें क्या है हीट और वो फटने उठने का डर रहता है। अच्छा, इसमें नहीं रहता, इसमें नहीं रहता। रूम बनने की है ना, हाँ, रूम हीटर, रूम हीटर, हाँ, इसको रूम हीटर के तौर में भी कर सकते हो, लेकिन अभी बंद है, रात को ही ऑन रहता है। इसमें वो जो हीटर का वो रहता है ना कॉइल, कोई लगा हुआ है और फिर यहाँ यहाँ से कनेक्ट कर दो। अच्छा, मतलब हैंडमेड है आपने, हाँ। उसको हीटर का कॉइल बना करके, क्या बात है, मैं नहीं समझ पा रहा था। ठीक ठीक ठीक, ओके ओके, बस आपको खतरा यहीं पर है, लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आप उसका कोई जुगाड़ हाँ, लगा करके इसको लगा दोगे तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, ये रूम हीट मतलब हीटर का ही एक तार को आप लंबा ले लियो, तो कितना दे देता है ये फिर वैसे में, मतलब अच्छा खासा गर्म करता है ये, रूम को कर देता है, कर देता है। और मेरे को और कोई जुगाड़ नहीं चाहिए, बस ये पन्नी से पैक कर दिया हूँ। तो जो ऊपर जो कवर प्लास्टिक के लगे हैं, जो कांच के, वो हाँ। ग्लास है, मतलब ये ना गर्म होता है, वही तो है भैया, वो जो हम लोग जो हीटर खरीदते हैं नहीं, हैलोजन हाँ, का जो हाँ। तो अंदर का निकाल दिया है, तो इसमें शॉर्ट सर्किट और ये गर्म गर्म होने का कोई टेंशन ही नहीं। और ये दुकान में खरीदने से भी मिलता है, मिलता है, अलग से मिल जाता है, मिल जाता है। अच्छा, ये पूरा सेट मिलता है, बाकी क्या है, मैं एक बार खरीदा था, उसके बाद अपने जुगाड़ से मैं, जैसे खराब होता है तो नया अपने लगा लो, क्योंकि ये खुद खरीदने से 50 रुपए मिल जाते हैं अपन को, फिर ये बना के क्या है, क्वाइल ही 20-30 रुपए मिल के, वो 4-5 बार यूज होता है। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? अब नाम तो मेरे को भी नहीं पता भैया, लेकिन ना अब इसको मैं क्या फोटो खींच के एक बार लिया था। चलिए, इसका अच्छा से फोटो मैं भी ले लूं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आप हमारे किसान भाइयों के लिए, क्योंकि एक हिसाब से ये जो अगर ये वोल्टेज कंज्यूम करता तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज कंज्यूम करता। आपने यहाँ से यहाँ तक एक बित्ता का जो हीटर तार लगाया है, उस एक बित्ता का हीटर तार में हमारा जो है हैलोजन से कम ही ले रहा है पावर सप्लाई जो है, और सेफ भी है बहुत ज्यादा, ये पूरा ग्लास है ये, है ना, और ऐसा बना है ये, जब ये हैलोजन को बर्दाश्त कर रहा है तो बिल्कुल एक तार को बर्दाश्त करेगा, और ये इसमें कम से कम छोटे बच्चे ब्रूडिंग करने के लिए 3-4 अगर अपन बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ का जो सेटअप है। ये लोग बाहर निकलते हैं कि नहीं घूमने उमने के लिए? एक एक दिन निकलते, आज उनका उनका बाहर निकलने का वो है, हाँ। कल उन लोग अंदर रहेंगे, इन लोग बाहर रहेंगे, मतलब एक एक दिन इन लोग बाहर रहेंगे, एक दिन उन लोग बाहर रहेंगे। तो जरूरी है सभी आ जाते हैं, भूखा हाँ। रखना पड़ता है थोड़ा सा, शाम को बुलाना पड़ता है, नहीं वो सब आदत है, आदत सब है, हाँ। अपने आप आ जाए, बस दरवाजा बंद करना पड़ता। अभी क्या वेट होगा इनका, 1.5 किलो से लेकर के आधा किलो, 1.5 केजी तक है ना, आधा किलो से 1.5 किलो। और क्या है, देखिए एक जॉस लेने से भी 1700-1800 रुपए अपन का पड़ेगा। तो मैं क्या है, ये पंखा लिया हूँ, हाँ। ये मेरे को पड़ा है 1400-1500 रुपए। अच्छा, इसमें ये दो काम यूज हो जाता है, एक तो मुर्गियों के लिए, हाँ। और अपन को गर्मी लगे तो अपने लिए भी यूज हो जाएगा, ये बात भी है, हाँ, हाँ, हाँ। तो ये 2-in-1 काम है, 2-in-1 इसका जो भी हैंडल वंडल आया। अच्छा, मैं आपको एक वीडियो और सेंड करूंगा, ये जो ड्रम है ना, उस ड्रम से पंखे से मैं एक कूलर बनवाया था, बहुत ही जानदार और बेहतरीन कूलर, वो करीबन 3 साल हो गया, मेरे 3 सब्सक्राइबर लोग बनाए हैं वैसा, और उसकी पूरी फोटो वीडियो बनी हुई है, आप अगर उसको लगा लेते हैं तो बस कुछ नहीं, इस मुंडी को निकाल के आपको उस ड्रम के अंदर लगाना है गर्मी के दिन में, और बाकी समय आप निकाल करके यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जैसे ये खाली मुंडी है तो दोनों काम हो जाएगा है ना, बस ड्रम काट के खस लगाना है किनारे किनारे, फिर उधर और है उसको बता। हाँ, जैसे क्या ये ना गर्मी के दिनों में एक ही रूम रहता है, इसको हटा देता हूँ, अभी क्या ठंडी के दिनों में इसको पैक किया हूँ ताकि संख्या उधर भी रहे इधर भी गर्मी मेंटेन रहे, ठीक है, इसीलिए। ओहो, मतलब जाने के लिए भी ये एक जगह है ताकि आप मेंटेनेंस कर सकें, ठीक बात, ठीक बात। इंसान करना चाहे तो कहीं से भी बिजनेस कर सकता है, इसका साक्षात यहाँ बड़े पेरेंट्स हैं जो कि अंडे बच्चे करते हैं, साथ में इसके अंडे जो हैं डेली का डेली कलेक्ट करके, इतना छोटा अंडा किसका है, मुर्गी का ही होगा, अनमैच्योर है वो, फर्स्ट दे रही हूँ। तो ये खाने के काम आ जाएगा, टेबल एक कम से कम 4-5, उसके बाद फिर इसके अंडे लिए जाएंगे और मशीन में डाल करके, देखिए पेरेंट्स फुल एक्टिव हैं। वैक्सीन करते हो ना भाई? हाँ करता हूँ, वैक्सीन करते, हर मौसम बदलता है उसमें करते हैं। बहुत सुंदर, क्या बात है, कम जगह पे अगर लोग बिजनेस करना चाहे।
अच्छा, फिर इसमें कितना पीस होगा? कम से कम इसमें तो 60-70 लग रहे हैं मेरे को। क्या लग रहा है ये? 100 पीस है। 100 पीस है ये? जी जी, ऐसे में नहीं लग रहा है, बाकी क्या है गिनने 100 पीस है। वो सर फोटो हो रहा है जी। ये फला हुआ है। क्या बात है, दो फल बचाए हैं जानबूझ के, बाकी को झड़ा दिया। पेड़ ग्रोथ, हाँ पेड़ ग्रोथ होगा। और इसको बोन मिल दीजिए, है नीचे बोन मिल या तो फिर कुछ भी। एक ए वाला बहुत सुंदर। हाँ, इसका बीजा हो गया है कि लेट है अभी? अभी लेट है, इसका देना है। क्या बात है यार, मस्त फल आ रहे। देख भैया देख, आदमी बोलते हैं कि मेरे यहाँ का नींबू फलता नहीं है, एक बार आदमी फलाने जानना चाहिए। देखो कैसे गुच्छा गुच्छा फूल आ रहा है। आज धूप हो जाती बात है यार। कहाँ गिर गया? ये देख, ये देख, ये देख, ये फोटो ले लिया। और केला भी आप ही के यहाँ का? ये केला ना, हाँ ये निकला। हाँ तो ये है वो पीकी वाला ना, और थोड़ा बढ़ान दे। हाँ कट मार, एक लाइन लगाते जाइएगा ऐसे नाली के नाली का, ओकर साथ में एक ठेव मान लीजिए। तो वो पेड़ नहीं नहीं, पेड़ मजबूत होगा ना जी, वो जो ग्रोथ माने के बड़े हुई ओकर बाद है जो फल लग के माने के काटबे ना, ओकर लिए एक पेड़ और छोड़ के रखे। और ये ना ताई है, ताई क्या है, एक आता है नार वाला, ये बिना नार वाला है। ये तो अगर ये रखबे तो अभी गर्मी में नहीं। दो चीज आपसे चाहिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया फूल का, और इसका बीजा आता है ना? नहीं, इसका डंठल जग जाता है और बीज भी आता है। डंठल भी जग जाता है? तो ये तो है मेरे पास, अगर डंठल जग जाता है तो डंठल लगा लेंगे। और सुनो ना, ये क्या है यार, ये ये वाला को चाहिए, इसका पत्ती खाते है। ये क्या है जैसे मुनगा भाई, सुन ना, देख तो फला थे कहा थे, देख तो फला थे कहा थे भैया, अब ये लोग बोल के दे रहे हैं। मैं थोड़े से और माने कि थोड़े मैं गाना भी एकर अलग से मैं टाइम टेबल में लिख के रखे हैं, लेकिन टाइम नहीं मिल पाते। एक बार ना एक ठोए चबूतरा टाइप से मैं डेली पानी डाला। ये नींबू आपके घर का है ना? हाँ, ये घर का। तो एक काम करिए ना, गाना इसको कटिंग करके उसका डाली को इसमें लगा दीजिएगा। मैं एक वीडियो आपको सेंड कर दूंगा मेरा बनाया हुआ, तो उसमें भी फल। और ये जो वैरायटी है ना, इससे अच्छा वैरायटी ये वाला है। इसका जो गुच्छापन देख रहे हो ना आप, ये आपको पैसा देगा जी, बकायदा आप इसको तोड़ के दुकान में बेच सकते हो। और इसमें हर 20 से 25 दिन में ना एक दवाई बताऊंगा, उसको छिड़काव कर दोगे ना, कभी पत्ता ऐसे भुकड़े आएगा नहीं। वो मैं 21 साल में कितना बड़ा कर लिया ना भैया उस पेड़ को। और मैंने बोला तो भैया जमीन में जहाँ पथरीलीपन है, पथरीली प्लस पानी, एक हाथ में मिट्टी टाइप से है, फिर नीचे वो चट्टान आया है ना, नीचे नीचे गया हुआ है। ये आम पेड़, ये वो देसी वाला है, खा के फेंके थे। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कट करके हम दूसरा आम का जो डाली है ना, अच्छा वाला मेरे यहाँ से, उसको ला करके मौसम जब नरम रहेगा ना तो लगा सकते हैं। और ये सब ने क्या है, वो बरबट्टी झुनका बोलते हैं अपन। तो ये पूरा जाली घिरा हुआ है आपका बाउंड्री? टोटल फ्री रेंज था पहले। हाँ, अब क्या है बोरवेल कराया ना, हाँ, तो फिर वहाँ से पार्टीशन को कर दिया। हाँ, कि मुर्गियों के एक दिन उन लोग बाहर रहेंगे, एक दिन उन लोग, ताकि संख्या ज्यादा हो तो जो झगड़ा होता है ना। हाँ, इसलिए कम वो करके। और ये पहले मेरा ना इनक्यूबेटर, वो इनक्यूबेटर। अच्छा।